बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत कपल जो इन दिनों अपनी शादी की चर्चाओं को लेकर सुर्खियों बटोर रहा है। दरअसल यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं आलिया और रणबीर कपूर का। आप सभी को बता दें कि बीते दिनों इनकी एक शादी का फेक कार्ड वायरल हो रहा था। हालांकि बाद में पता चला कि वो कार्ड फेक था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आलिया और रणबीर इसी नवम्बर में शादी करने जा रहे हैं। खबरों की माने तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दो हफ्ते में शादी के बंधन में बन जाएंगे। कपल फ्रांस में शादी करेंगे। उनकी शादी के लिए शेफ रितु डायमिना को केटरिंग के अरेंजमेंट्स के लिए अप्रोच किया गया है। आपको बता दें कि अनुष्का विराट की शादी में भी रितु ने ही केटरिंग की सारी सर्विसेज को देखा था। दोनों की शादी की खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आप सभी को बता दें कि इससे पहले अर्जुन कपूर और मलाइका की शादी की खबरें भी तेजी से वायरल होती दिखाई दे रही हैं। अब अगर आपको बता दें कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर रणबीर आलिया के कार्ड जो वायरल हो रहा था, उस कार्ड में 22 जनवरी 2020 की तारीख को लिखा गया था, जिसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फैंस इस तरीके की खबरों को देखकर खुश होते भी दिखाई दिए। मगर ये महज एक झूठी खबर की तरह ही वायरल हुई और झूठी खबर ही साबित हुई। हाल ही में अगर आलिया रणबीर के वर्क प्रिंट पर नज़र डाली जाए तो आप सभी को बता दें कि आलिया और रणबीर ब्रह्मास्त्र में साथ दिखाई देंगे। ये उनकी पहली फिल्म होगी जिसमें ये दोनों एक साथ काम करेंगे। इसमें अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। मूवी का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है और जो बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के बाद फ्रांस में आलिया और रणबीर शादी करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सच में ये कपल शादी के बंधन में बंधेगा या फिर अभी फैंस को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आई न्यूज़ रूम से नैन्सी की रिपोर्ट।